हमने जो लास्ट लेक्चर जहाँ ख़त्म किया था, तो नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन के होने में कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं। तो पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड, मैं वैसे पहले ही लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल है और किस पॉइंट में इंसिडेंस पे, तो बात कर लेते हैं। जैसे ये है, जैसे एक मेरा ये है, ये नॉर्मल बना दी, दिस इज नॉर्मल, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे है एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली मेरी रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली मेरी है इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल रे। तो क्या बोल रहा है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है, नॉर्मल मीन 90 डिग्री एट, नॉर्मल जो 90 डिग्री है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, दैट इज एक्स वाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट ओ, तो इस पॉइंट ऑफ ओ इट मीन्स इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो कि ओ है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इस पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सभी आपके सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वो आपके सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ आपको बता रहा है कि जितने एंगल पे अभी इंसिडेंट रे आपकी आ रही है, दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल पे के साथ जितना एंगल बना रही है, मान लो ये एंगल आई है, तो सेकंड लॉ ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो मींस जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बन रहा है, वो एंगल उतना ही होगा जो कि एंगल नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है। इट मींस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा लॉ क्या है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट हो रही है, वो जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे विल बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं।
अब रिफ्लेक्शन के टाइप क्या क्या होंगे? अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मीन रिफ्लेक्शन किस किस तरह का होता है। तो पहला जो है वो आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन दूसरा आता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, वन इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इज योर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, तो दिस इज द डायग्राम। तो अगर लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, मान ली फर्स्ट है, ठीक है, ही वाज़ द फर्स्ट, सेकंड ऐसे आई, ऐसे जाए, सेकंड लाइक दिस, थर्ड ऐसे आई, गो लाइक दिस। इट मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे जितनी भी आएंगी, जितनी भी पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगी, वो सभी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही निकलेंगी। अगर इंसिडेंट से इंसिडेंट रे वन, इंसिडेंट रे टू, इंसिडेंट रे थ्री, तो ये तीन इंसिडेंट रे हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज थ्री रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो गोज पैरेलल टू इच अदर। इट मीन्स अगर ये तीनों पैरेलल इंसिडेंट रे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद तीनों ही पैरेलल रहेंगे। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड इज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर में क्या है, जैसे हमने एक सरफेस बनाया, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा कुछ सरफेस है, तो लाइट रे मान लीजिए ऐसे आई, दिस इज इंसिडेंट रे वन, और ये ऐसे चलेगी। सपोज को दूसरी लाइट रे ऐसे आई, ये ऐसे चलेगी, दिस सेकंड दिस सेकंड, दिस वन दिस इज वन। सपोज ये रे ऐसे आई, ये ऐसे चलेगी। तो अगर आप देखोगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी भी इंसिडेंट रे जैसे भी आ रही हैं, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो आपस में पैरेलल नहीं जा रही। मान लो पहली रे ऐसे आई, वो ऐसे चलेगी, दूसरी ऐसे आई, वो काफ़ी एंगल से, कम एंगल से मुड़ गई, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज योर रेगुलर, दिस इज योर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दीज आर द टाइप्स। सब बात कर लेते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया है, दैट इट इज एम एन, दिस इज योर प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर आपका है। तो प्लेन मिरर में कुछ पॉइंट्स है, वो लिख लीजिए। पहला पॉइंट, अगर प्लेन मिरर में कोई इमेज बनेगी उसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर के बारे में पहला पॉइंट जो है, जो भी इमेज बनेगी, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। नंबर टू, जो भी इमेज इन प्लेन मिरर लाइज एज फार एज बिहाइंड द as far as the object is
बिहाइंड द मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा उतनी ही दूरी पे होगी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो मान लो ये मैंने स्क्रीन का डायग्राम बनाया, इसी एम एन, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी है, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो एक रे ऐसे गई, ठीक है, दूसरी रे ऐसे गई, तो जो रे ऐसे जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो उसको यहाँ मिला दीजिए, तो दिस विल बी योर यू, दिस इज योर एच, दिस इज ए डैश, बी डैश, दिस इज एच डैश। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये आपकी इमेज की हाइट है। अगर आप देखोगे तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो वही बता रहे हैं कि मिरर, प्लेन मिरर के केस में जो भी आपकी इमेज बनेगी वो आपकी उतनी ही दूरी पे होगी मिरर से जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर से, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मीन्स जो आपकी ये इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर केस में, वो मिरर के बिहाइंड अगर बनती है तो वो उतनी ही दूरी बनेगी जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है, जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में। तो ये था, इज एज फार बिहाइंड एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि मतलब जो इमेज प्लेन मिरर कैसे बनेगी जितना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है उतनी दूरी पे आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर। इट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि U इज इक्वल टू V इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर केस में आपका U हमेशा V के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट जो है साइज ऑफ द इमेज। हमने अभी देखा था जो इमेज ऑफ द साइज ऑफ इमेज है वो सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही आपका इमेज का साइज है। फोर्थ पॉइंट में जो इमेज होगी प्लेन मिरर से, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लिटरली इन्वर्टेड को थोड़ा सा समझ लो एक बार, जो इमेज होगी वो लिटरली इन्वर्टेड होगी। इट मीन्स अगर मान लीजिए मैंने रेड, मान लीजिए रेड मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और रेड की मुझे अगर लिटरल इमेज पढ़नी है तो वो क्या बनेगी, दैट इज योर लाइक दिस। This is the lateral inverted image of, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है और ये आपकी lateral, this is the lateral inverted image of the object red। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें यहाँ पर लेफ्ट में दिख रहा है वो हमें वहाँ राइट में दिखेगा। इट मीन्स सपोज करो अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हमें मिरर में लगेगा कि हमने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है। अगर हम राइट हैंड उठाएंगे, इफ़ यू लिफ्ट अवर राइट हैंड, इट मीन्स इट इज लुकिंग इनटू द मिरर दैट वी आर लिफ्टिंग अवर लेफ्ट हैंड, वाइस वर्सा। दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। देन थोड़ा डिफरेंस है रियल इमेज एंड
वर्चुअल इमेज में। तो पहला डिफरेंस तो वही था कि रियल इमेज हमें तभी मिलती है जब आपकी एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है, एक्चुअली रेज विल मीट। जब आपकी एक्चुअली रेज मिलेंगी तभी आपको रियल इमेज मिलती है। ये क्या है कि एक्चुअली नहीं मिलती, वी विल We will imagine that rays will appear to me. Appear to me means virtual. मैं हम मतलब एक imaginary image होगी, ये एक आपकी imaginary image होगी और ये आपकी real image होगी। This is a real image, this is imaginary image. Second point है इसमें, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। तो मिरर, अगर मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, मिरर के केस में ये जो रियल इमेज है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी और मिरर केस में ये इमेज हमेशा ये जो इमेज है ये रियल इमेज की इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी और ये बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो अगर मिरर की बात कर रहे हैं तो रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में बनेगी और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड में बनेगी। फोर्थ पॉइंट, लेंस की अगर बात करें, ये ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस बनेगी, लेंस के दूसरी साइड में बनेगी और ये बनेगी आपकी ऑन द सेम साइड। तो लेंस के सेम साइड पे बनेगी, लेंस के केस में रियल इमेज मिरर केस में फ्रंट पे ही बनेगी, मतलब जिस साइड आप खड़े हो वहीं में बनेगी और वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड बनेगी और जो रियल इमेज है वो लेंस के केस में दूसरी तरफ बनेगी, मतलब जिस साइड लाइट आ रही है उसी दूसरी तरफ बनेगी और इस केस में जिस साइड से लाइट आ रही है उसी तरफ आपकी इमेज बनेगी। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि अगर आपके दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड हैं किसी एंगल थीटा पे, सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म निकालनी हो हमें, ये तब है जब आपके पास दो प्लेन मिरर हों और दोनों प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन हो ईच अदर। तो पहला केस कर लेते हैं, इफ 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा विल गिव यू एन सम वैल्यू and that n will be your even integer. It means अगर मैं बात करूँ, अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री हो तो n क्या आ जाएगा, 360 by 90 and theta is the, this is the angle at which the two plane mirror are inclined to each other. तो ये वो angle है जिस पे दो plane mirror inclined होंगे, तो n अगर theta 90 था तो n कितना आ गया, 4 and 4 is a even integer आ गया, 4 क्या है इवन इंटीजर है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी, एन माइनस वन इमेजेस आपकी बनेगी, ये फॉर्मूला है। तो एन माइनस वन मीन्स तीन इमेज बनेगी आपकी, क्या हुआ, तीन इमेज बनेगी। अगर आपका एन इवन आ जाता है उस केस में एन माइनस वन इमेज बनेगी। सेकंड केस, अगर एन आपका ओड इंटीजर आ जाता है, अगर एन आपका ओड इंटीजर आ जाता है इसी केस में, अगर n आपका ओड इंटीजर आ गया, मान लीजिए आपने थीटा 72 ले लिया, तो n क्या आ जाएगा, n विल बी 5, तो 5 इज ओड। उस केस में इमेजेस n होंगी
और n माइनस वन होंगी, ये दो केस अलग अलग हैं। तो n इमेज तब बनेगी अगर इफ लिख लीजिए इफ n इज योर ओड इंटीजर देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n, मतलब अगर आपकी पाँच, अगर आपका n फाइव आया है तो इमेजेस भी कितनी आएंगी, फाइव आएंगी। ये तब आएंगी, ये तब आएंगी जब ऑब्जेक्ट लीजिए इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट lie, does not lie on the plane which bisects, bisects the angle between the mirror. It means अगर आपके पास, अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास थीटा 30 degree 2 degree था तो n कितना आ गया, 5 आ गया। 5 क्या है, ओड इंटीजर है। इट मीन्स जब मेरे पास n ओड इंटीजर हो तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, दो हो, दो दो ही हो। एक केस में n होगा कि n माइनस वन होगा। अगर n हुआ तो कोई कब होगा, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट लाई, अगर ऑब्जेक्ट आपकी उस प्लेन पे लाई नहीं कर रही है जो कि मिरर के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करता है, तब आपका इमेज कितनी होंगी, 5 ही रहेंगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट उस प्लेन पे लाई कर रहा है जो कि मिरर के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, उस केस में आपकी इमेज कितनी बन जाएगी, n माइनस वन मीन्स 4 हो जाएगी। ये सेकंड केस है। थर्ड केस है इफ 360 डिग्री बाय थीटा विल गिव यू फ्रैक्शन। तो अगर अगर 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा विल गिव यू फ्रैक्शन, इट मीन्स मान लीजिए थीटा मेरे पास 80 डिग्री है तो n क्या आ जाएगा, n इज योर 4.5, n क्या आ गया 4.5। तो इस केस में जो n होगा इट विल बी योर इंटीग्रल मल्टीपल, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो इंटीग्रल मीन्स दिस वन मीन्स 4 आ जाएगा इस केस में, तो चार इमेज बनेंगी। मान लीजिए थीटा मेरे पास 70 डिग्री है तो n इस केस में कितना आ जाएगा, n मेरा आ जाएगा 5.14। तो इस केस में n क्या होगा, इंटीग्रल ओनली 5। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो पहला क्या था, जब थीटा कुछ भी होगा और n अगर आपका इवन इंटीजर आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी, n माइनस वन। और अगर n मेरा ओड आया तो दो केस बनेंगे, एक n रहेगा और एक n माइनस वन। n तब रहेगा अगर ऑब्जेक्ट उसी प्लेन पर लाई कर रही है जो कि मिरर के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करता है, और अगर n माइनस वन तब होगा जब ऑब्जेक्ट उसी प्लेन पर लाई करेगा जब मिरर के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करेगा, नहीं करेगा तो n आएगा, करेगा तो n आएगा। और अगर 60 by theta विल बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन केस में क्या आएगा, आपका नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इंटीजर मल्टीपल इमेज इंटीग्रल फॉर्म। मीन्स अगर 80 डिग्री आया तो n कितना आ गया, 4.5 आ गया, तो n कितना आ जाएगा, 4। अनदर केस 70 डिग्री तो 360 by 70 विल गिव यू 5.14, n कितना आ गया, 5। इन दिस वे यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। So with this, lecture is over.